परिपाटी बन गई है कि ऑकल्टिस्ट हेल्थ को भी एड्रेस करें, सब कुछ करें, मतलब डॉक्टर्स को रिप्लेस करने लायक होगा। ये सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी है। डॉक्टर्स का काम डॉक्टर्स का है भाई, 8-10 साल की कड़ी मेहनत के बाद कोई आदमी डॉक्टर बनता है। अंदाजा पता नहीं आपको है कि नहीं है, मैंने देखा है परिवार में कई बच्चे डॉक्टर हैं। और फिर डॉक्टर्स की लाइफ को हम सबने देखा है पिछले 1.5 साल में, कैसे उन्होंने पूरे संसार की रक्षा की है, बचाया है। जो भी शब्द उनकी तारीफ में कहते हैं वो सब बहुत कम है, वैसे ही जैसे हम अपने सोल्जर्स के लिए कहते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे बॉर्डर्स को, वो सब कम है। बीमारी की जो डिटेल है वो डिपेंड करता है। देखो, हाउस की एनर्जीज, वास्तु एनर्जीज, ये हेल्प करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेडिसिन काम नहीं कर रही है, वो इजिली डायग्नोज हो सकता है। बड़ा सिंपल सा है कि अगर आपके साउथ वेस्ट साइड में अगर मेडिसिन रखी है तो काम नहीं करेंगे, चांसेस है। लेकिन उसके अलावा क्या हो रहा है, वो पर्सपेक्टिव आता है 5 एलिमेंटल बैकग्राउंड से, और वो इस तरह से आता है कि आपके कौन से नंबर की स्ट्रेंथ वीक हो गई है। हम एस्ट्रोन्यूमोलॉजी करते हैं, एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमारा रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट है। तो हेल्थ के ऊपर एक ब्रॉड, अगर हमें पता हो कि हमारी प्रॉब्लम क्या है और क्यों है, जैसे आप कहें कि फीवर होता है, बार बार फीवर हो जाता है। अब ये फीवर होना अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो छोटा मोटा मेडिकल साइंस हम समझते हैं। अब वो 100 रीजन हो सकते हैं फीवर होने के। तो क्या मैं कहूँ कि फीवर होगा तो अपने घर की फलानी दिशा में, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में आप एक हरे रंग का पिरामिड लगा दीजिए तो आपका फीवर उतर जाएगा? ये ना, हो सकता है 2-5% लोगों को काम कर जाए। और ये चूरन चटनी का काम कम से कम हम नहीं करते ना, हम अपनी ऐसी इमेज बनाना चाहते हैं कि हम चूरन बेचने वाले लोग हैं। हम थोरो साइंस में डील करते हैं, एंड वी रिस्पेक्ट साइंस एंड ऑल द साइंटिस्ट वर्किंग इन द फील्ड। तो बेहतर है अपने आप को धोखा हम खुद ना दें, हम सच्चाई को समझें, सही फॉलो करें और फिर उसका रिजल्ट देखें, बजाय आधे अधूरे ज्ञान पे चलें। या जो लोग इस तरह की मार्केटिंग करते हैं उनको पूछें, भाई कितना जानते हो मेडिकल साइंस, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी तक जानते हो क्या? गिने चुने लोग हैं पूरे इंडिया में जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के एक्सपर्ट हैं। वो कहते हैं ना, किसी को माँ बादी किसी को माँ स्वादी, पुरानी कहावत है। तो ये फील्ड ऐसा नहीं है जिसको चैनलाइज किया जाए, करना चाहिए नहीं, क्योंकि सेंसिटिव है, लोगों की लाइफ के साथ जुड़ा है। तो एक थॉरो एक्सपर्ट, एक प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह लेना ही सही है। यदि आप ये कहें कि जी हमने 3-4 डॉक्टर बदले लेकिन हमें फायदा नहीं हो रहा, या हमारे इस घर में सबको ही ऐसी प्रॉब्लम बार बार आती है, देन दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ सम वास्तु दोष और सम एड्रेस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है घर के, व्हाटएवर, ऐसा कुछ हो सकता है। हर आदमी हर काम नहीं कर सकता, तो बेहतर है एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। हाँ, अगर एक्सपर्ट की सलाह काम नहीं कर रही है तब डेफिनेटली हमारे फील्ड में एक रिलायबल और एक स्ट्रांग सपोर्ट आपको मिल सकती है।